तो दोस्तों यहाँ पे आने वाले हैं पापा। रखिए आओ फ्रिज में। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल एन की नंदनी एंड आस्था के चैनल में। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह सुबह हमारे घर का सारा ही काम निपट गया है और इधर पे बम गया है मठा। अभी 7:23 हो रहे हैं और इतने काम हो गए। और आज मैंने भी सुबह सुबह पूरी फुर्ती में यहाँ की सफाई कर दी है। हाँ, बहुत फुर्ती थी आज। आज इनके अंदर बहुत ही ज्यादा फुर्ती थी। हाँ, बहुत ही ज्यादा फुर्ती नहीं थी? हाँ, बहुत ही ज्यादा, वही तो मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ की पूरी सफाई कर दी, बर्तन भी धुल गए, बोतल भी भर गई 7:30 बजे तक। और इस कमरे की सफाई तो आस्था ने ही करी है, तो ये कमरा भी बिल्कुल साफ सुथरा है। और अब है बस नहाने का समय, नहाएंगे, थोड़े से कपड़े धोएंगे और उसके बाद सारा काम हो जाएगा। खाना बनाना है तो आज बनाएंगे कढ़ी, क्योंकि मठा बन गया है तो कढ़ी बना लेंगे, है ना दोस्तों। आस्था आजकल सुबह सुबह दौड़ लगाने जाती हैं, 5 बजे उठ के पापा के संग जूते वगैरह बढ़िया पहन के, लेकिन ब्लॉग नहीं बनाया है ना। तो कल बनाना ब्लॉग जब जाओगी दौड़ने, लेकिन उस समय बहुत अंधेरा होता है, आते समय बना लेना, आते समय तक रोशनी हो जाती है। तो आस्था आजकल दौड़ने जा रही है फिट रहने के लिए। और आस्था जो ये दौड़ने जा रही है ना, इसके कारण आस्था के चेहरे पे ग्लो आ रहा है, मुझे ऐसा कुछ लग रहा है। ग्लो आ रहा है, है? आज तो संडे है, आज तो छुट्टी है। तो दोस्तों घर के सभी काम होने के बाद आ गई थी, नहाना धोना भी हो गया है और पूजा करने आ गई हूँ। तो रोज डेली ही अब अगरबत्ती लगा देती हूँ। और हमारे कान्हा जी बहुत ही प्यारे लगते हैं, एकदम उनका जो कपड़ा है उसका कलर बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। तो बस सुबह सुबह रोज डेली पूजा कर दो या तो अगरबत्ती लगा दो। तो यहाँ पे मैंने पूजा कर ली, उसके बाद देखिए आस्था भी अगरबत्ती मतलब पूजा कर रही है। इतना दूर यहाँ पे दोस्तों अभी अभी चूल्हा जलाया है, तो पूरे ही कमरे में अंधेरा सा हो गया है, धुआं क्योंकि भर गया है। तो धुआं बस स्टार्टिंग में ही भर जाता है, वो कहीं भी मतलब किसी भी कमरे में वो पहले भर ही जाता है, उसके बाद वो धीरे धीरे निकल जाता है धुआं। और लेकिन थोड़े देर बाद जैसे जैसे आग अच्छे से जल जाएगी ना, तो यहाँ का धुआं बिल्कुल हट जाएगा, साफ हो जाएगा और अच्छे से मतलब कमरा दिखने लगेगा। ये देखिए काफ़ी हद तक धुआं ना हट गया है, चूल्हा स्टार्टिंग में जलाया था, कंडों के कारण धुआं हो। तो दोस्तों आज मैं बनाने लग गई थी कढ़ी, और बहुत ही दिन से कढ़ी खाने का मन था, लेकिन बेसन घर पे था नहीं। तो अम्मा से कल शाम को कह दिया था कि थोड़ा सा बेसन दे देना और मुझे कढ़ी खानी है। तो आज मठा सुबह सुबह ही भम गया था, तो आस्था के हाथों से मैंने बेसन जो है मंगवा लिया और यहाँ पे आज बना रही हूँ कढ़ी। लेकिन भटा नहीं थे, भटा अगर होते तो वो और भी अच्छी कढ़ी बनती। तो यहाँ पे सिर्फ आलू की मदद से कढ़ी बनाई जा रही है। थोके में मेथी, लाल मिर्च, हींग, जीरा, ये सभी चीज़ें डाल दी है, आलू फ्राई कर दिया। उसके बाद ये जो मठा का घोल है, मठा और बेसन का घोल, वो मैंने डाल दिया है। तो कढ़ी बस ये है कि चलाते रहना है और ज़्यादा देर तक पकाना है, तो कढ़ी अपने आप ही बहुत स्वादिष्ट बन जाती है। तो दोस्तों थोड़ी देर कढ़ी मतलब पकने के बाद, उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे कपड़े अपड़े डालने। और अभी कढ़ी चढ़ी हुई है, लेकिन नहाते समय ये जो मैंने कपड़े धोए थे ये मैंने डाले नहीं थे, इनसे थोड़ा सा पानी निचोड़ना बाकी था।
और धूप भी तब तक नहीं निकली थी, अब देखिए हल्की हल्की धूप निकल गई, लेकिन इस रस्सी के पास अभी भी धूप नहीं है। और आज मैंने थोड़े से ज़्यादा कपड़े धो लिए हैं, बेडशीट वगैरह भी धो दिए हैं, तो ज़्यादा कपड़े हो गए हैं तो अब डालना ही पड़ेगा। और धूप फिर पता नहीं क्या कि चली ही जाए, बारिश वारिश होने लगे, इन दिनों तो ऐसा ही होता है कि छिन छिन भर में कपड़े बार बार हटाओ फिर से डालो, ऐसा हो रहा है। तो कपड़े अभी मैंने डाल दिए हैं, ये मैंने दो बेडशीट धो दी है, आस्था की और आस्था के पापा की, दोनों की तौलियाँ भी धो दी है, ये सोच करके शायद आज अच्छा धूप निकलेगा, ये सोच करके। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल अच्छे से डाल दिए हैं ताकि थोड़ी हवा में सूख जाएं। तो दोस्तों यहाँ पे हो गया शाम का समय, हमारी गैया आ चुकी है और धुआं हमने रख दिया है। चलिए दोस्तों नीचे चल के दिखा देते हैं, अम्मा आई हुई है बगिया में, क्या कर रही हैं बगिया में। तो हमारी बगिया बहुत काम की है कि यहाँ से जितना भी चारा गाय को खिलाने के लिए ले जाना हो तो ले जा सकते हैं। आज मैंने भी एक टमाटर का पेड़ लगाया इधर। हाँ पता नहीं क्या हो गया खीरा में। मूंग मूंग है हमारी, मूंग है तो इन्हें कुछ पता ही नहीं लगता क्या? ये कह रहे मूंग नहीं है, ये कह रहे हैं कि मूंग नहीं है। ये क्या भाग की क्या दोस्तों, देख लो कितनी स्पीड से अम्मा काटने में लगी हुई है। अम्मा वो चेच की भाजी लगी है इतनी लंबी लंबी है। तो दोस्तों यहाँ पे आने वाले हैं पापा के, इसलिए अब मैं जा रही हूँ धोने के लिए, आएंगे क्योंकि। और आस्था के पापा भी देखिए इधर ही हैं बगिया में ही, और मैंने एक टमाटर का पौधा आज लगाया था उधर, हमारे ही काटने में लगी है। कितनी ज्यादा हरियाली है, बहुत ही ज्यादा। और अभी ये जो हरियाली है ये गाय खाती ही नहीं है, है ना? वहां तक जाने में ही थक गए बिल्कुल, पैर हाथ दुख गए, लाइट है नहीं। तो दोस्तों अब बनाना तो है खाना पीना, लेकिन अभी नहीं बनाऊंगी, लाइट आ जाएगा जब बनाऊंगी। हम तो जा रहे हैं यहाँ धोनी करवाने, पापा आने वाले हैं तो धोनी करवा लेते हैं। तो ये है शाम का समय, अभी मैं भी पहले धोनी करता था लेकिन अभी ये मुझे देखो कैसे हिल रही है, बहुत ज्यादा लात मारती है, इस कारण से मैं नहीं धो पा रहा हूँ। पता नहीं उसे क्या हो गया, नजर लग गई क्या हुआ, या तो फिर वो अब अगले सीजन में दूध देगी। देखो इनसे ना बिल्कुल भी वो नहीं करना चाहती, जबकि सारा सेवा पानी आस्था के पापा ही करते हैं, गोबर इनकी सानी खाना पीना सब। तो हो गया है बिल्कुल शाम का समय, और सुबह के ये जो कपड़े थे ये बिल्कुल अच्छे से सूख गए हैं, आस्था इन्हें तह लगाएगी और मैं बनाऊंगी थोड़ी सी रोटियां। अभी देखिए बर्तन धुल के लाए हैं तो अभी लगा दिए हैं, बस रोटी बन जाए, थोड़ी सी करेंगे इधर की साफ सफाई, और लाइट अगर टिक जाएगी तो आपको ब्लॉग कंटिन्यू दिखा पाएंगे। तो दोस्तों अब हो गया है शाम का काम स्टार्ट, और दूध दूध मैंने उबाल के रख दिया था, सब्जी भी बन गई है, बस बनानी थी रोटी यहाँ पे। तो अब गूंथ लेते हैं आटा, और थोड़ी सी रोटियाँ बनानी है क्योंकि रोटियाँ रखी भी है, थोड़ा सा आटा गूंथना है। आस्था के पापा के लिए होता है कि दो चार गरम गरम रोटी उनके लिए बना दो, और अगर गरम नहीं रहेगी सिर्फ ठंडी रोटी रहेगी
तो फिर वो गुस्सा करने लग जाते हैं। तो इसी कारण वरना तो रोटी और चावल भी रहता है तो हो जाता है, मतलब सुबह की रोटी बची है तो, लेकिन उनके लिए बनाना ही होता है, रोटी बची हो चाहे ना। तो यहाँ पे वही मैं आटा उन्हीं के लिए, उन्हीं के हिसाब के भर का गूंथ ले रही हूँ थोड़ा सा आटा, और रोटी बना दूंगी यहाँ। तो दोस्तों थोड़ा सा यहाँ की सफाई कर लेते हैं पहले, किचन की, सामान थोड़ा इधर उधर डले हुए हैं तो अच्छा नहीं लग रहा, तो पहले सारे सामान मैं लगा दे रही हूँ। तो डब्बे वगैरह मैंने सारे सही से लगा दिए, गैस पोंछ दिए, और उसके बाद अब यहाँ पे हल्की सी झाड़ू लगा रही हूँ। तो आप ये मत कहिएगा कि शाम के समय झाड़ू नहीं लगाई जाती, किचन के इधर हमारे यहाँ दोस्तों खाना आना बनाने के बाद लगा लेते हैं, कि मतलब कि ऐसे फैला हुआ रहता है तो वो अच्छा नहीं लगता। तो बस इसीलिए हल्की सी झाड़ू लगा दी है, कचरा कोई बाहर नहीं किया, लक्ष्मी बाहर नहीं करी जाती है, तो बस वही। और यहाँ पे चूल्हा देखिए मैं जला रही हूँ, लेकिन चूल्हा अभी जल भी जाता है, तो लगता है कि रोटियाँ आज गैस पे बन जाएगी। इतना पता ही नहीं था कि आज गैस ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए गैस जल चुकी है, और मैंने सोचा कि चूल्हे पे ही रोटियां सारी बन जाएंगी और जल्दी से मतलब काम निपट जाएगा, सारा काम हो ही गया है। तो यहाँ पे आ गई थी जेठानी जी की लड़की ठंडा पानी लेने, क्योंकि वहाँ पे उनके यहाँ लाइट नहीं आ रही है, और अम्मा भी ले गई थी पानी, और ये भी आई हैं पानी लेने ठंडा ठंडा, क्योंकि गर्मी इन दिनों इतनी पड़ रही है तो ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ठंडा पानी तो पी ही ले। और जब जब मतलब आदत हो चुकी हो रोज डेली ठंडा पानी पीने की, तो एक दिन ना मिले अगर तो हालत खराब हो जाती है। तो दोस्तों देखिए मैंने ध्यान नहीं दिया और गैस ना धीमे धीमे करके बुझने लगा है। उधर आ गई है जेठानी जी की लड़की, तो मैं उसी को ना बोतल देने के लिए चली गई। और दोस्तों फिर आके देखिए रोटी बनाने लगी, और देखा कि गैस ना बुझ चुकी है। और फिर से मैंने जलाने की कोशिश तो करी, लेकिन वो जला ही नहीं, और देखिए एंड टाइम पे, बिल्कुल एंड टाइम पे गैस खत्म हो गया। रोटी बनाने को रखी है, और अब फिर से बहुत ज़्यादा अटर करनी पड़ेगी, और चूल्हा जलाना है यानी कि बहुत ही बड़ा काम है। चूल्हा जलाने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर खाना ज़्यादा बनाना हो तो कोई दिक्कत नहीं। अब सिर्फ रोटी के लिए स्पेशल चूल्हा जलाना पड़े तो ये एक आफत वाली बात है। ऊपर से जब तक उसमें आँच नहीं होती है तब तक रोटियां नहीं सिकती है चूल्हे में। तो दोस्तों खाना बनाते बनाते आप सभी ने देखा ही ना, गैस खत्म हो गया था, फिर रोटी ही सिर्फ बनानी थी, अगर सब्जी वब्जी बनानी होती तो इतना दिक्कत ना होता। लेकिन न सिर्फ रोटी ही बनानी थी, फिर मैंने गैस जलाया, गैस नहीं सॉरी चूल्हा जलाया, और फिर जल्दी जल्दी रोटियां बनाई है। और बहुत गर्मी है आज के दिन, क्योंकि पूरे दिन धूप था क्योंकि, और रोटी फाइनली बन गई है, ले आके रख दिया और कूलर चला के बैठ गई थी, तो ठंडी ठंडी हवा लग रही थी। तो दोस्तों आस्था आस्था आशा करती हूँ दोस्तों आज का ब्लॉग आप सभी को पसंद आया होगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, खूब खुश रहिए, नमस्कार दोस्तों। बाय।